किंग कॉन्ग और रैम्पेज के बीच में युद्ध में किसकी होगी जीत? हमें हमेशा लगता है कि किंग कॉन्ग ही एकमात्र ऐसा काइजू है जो मॉन्स्टर वर्स का सबसे ताकतवर और विशाल गोरिल्ला है, क्योंकि अपने सामने आए ये किसी भी जीवों को टिकने नहीं देता। यहाँ तक कि काइजू जगत के किंग गॉडज़िला से भी टक्कर लेने में इसने जरा भी झिझक नहीं दिखाई। ऐसे में क्या हो जब किंग कॉन्ग को इस बात का पता चले कि रैम्पेज का जॉर्ज भी कोई सामान्य सा अल्बाइनो गोरिल्ला नहीं बल्कि एक म्यूटेटेड पावरफुल मॉन्स्टर गोरिल्ला है। ऐसे में क्या कॉन्ग के लिए जॉर्ज खतरा बन सकता है या सच में कॉन्ग ही सबसे ताकतवर गोरिल्ला है? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। किंग कॉन्ग एक जायंट गोरिल्ला है जिसकी आकार हर मूवी में अलग अलग दिखाई गई है। जैसे कि साल 1933 में कॉन्ग के आकार को 24 फीट दिखाया गया। हालांकि इस फिल्म के निर्माता इसे 40 से 50 फीट दिखाना चाहते थे, पर वक्त और तकनीकी में सुधार की वजह से इसे साल 2017 में 104 फीट विशाल दिखाया गया। वहीं साल 2021 वाला कॉन्ग 337 फीट विशाल हो जाता है। और अलग अलग मूवी में कॉन्ग के सिर्फ आकार को ही नहीं बल्कि इसकी शक्तियों को भी काफी ज्यादा दिखाया गया। ऐसे में नए वर्जन वाले कॉन्ग से जॉर्ज का सामना करवाना ही किसी मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। इसलिए आज के इस बैटल में हम बात करेंगे साल 2005 में दिखे कॉन्ग की, जो महज 25 फीट विशाल और लगभग 20 टन भारी है। यानी इस कॉन्ग को किसी सामान्य सिल्वरबैक गोरिल्ला से 7 गुना ज्यादा विशाल पर उनसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली दिखाया गया है। कॉन्ग के पास सुपर स्ट्रेंथ है जिस वजह से इसने अकेले ही 3 खतरनाक वीरेक्स का सामना किया है, बड़े बड़े चट्टानों को काफी सरलता से तोड़ा है और मानवों द्वारा बनाए गए भारी भरकम कार्स और मिलिट्री वाहनों की धज्जियां उड़ाई है। साथ ही इसने उड़ते हुए प्लेन को पकड़कर उसे कई फीट दूर उछाल फेंका है। पर कॉन्ग सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बिना किसी आर्मर के ये काफी ड्यूरेबल है, क्योंकि 3 खूंखार वीरेक्स से लड़ाई करने के दौरान इसे कई बार ये डायनासोर्स काटते हैं, पर कॉन्ग को इसका ज्यादा कुछ असर नहीं होता। यहाँ तक कि ये अपने एक हाथ से ही तीनों पर भारी पड़ जाता है। और काफी हद तक कॉन्ग को बुलेटप्रूफ भी कहा जा सकता है क्योंकि इस पर बरस रही गोलियां भी बेकार हो जाती है। लेकिन एक असल फाइटर की पहचान तो उसके एजिलिटी और रफ्तार से पता चलता है, और इस मामले में भी कॉन्ग हमें निराश नहीं करता क्योंकि ये काफी आसानी से पेड़ों या फिर चट्टानों के ऊपर चढ़ सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मानव निर्मित बड़ी बड़ी इमारतों पर भी इसने अपने कदम रखे हैं। वहीं बात करें रैम्पेज की जॉर्ज की, तो जॉर्ज एक सामान्य सा सफेद गोरिल्ला था, लेकिन म्यूटाजेन गैस की वजह से ये बदल जाता है एक खूंखार मॉन्स्टर में। साथ ही इसके पास आ जाती है सुपर स्ट्रेंथ, एक्सेसिव ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। जॉर्ज इतना शक्तिशाली है जो पल भर में मिलिट्री वाहनों, उड़ते हेलीकॉप्टर्स और इमारतों को तोड़ सकता है। महज 9 टन भारी यह सफेद गोरिल्ला अपने से भी कई गुना अधिक वजन को उठाकर उसे फेंक सकता है, जिसका सबूत हमें तब देखने को मिला जब इसने 60 टन वाले मिलिट्री टैंक को उठाकर इस तरह फेंक दिया मानो ये कोई खिलौना हो। साथ ही जॉर्ज ने अकेले लिजी और राल्फ नामक दो शक्तिशाली मॉन्स्टर से भी फाइट करी है, और उस जंग में जॉर्ज ने राल्फ को उठाकर फेंका था। साथ ही सबसे ताकतवर मगरमच्छ लिजी को मौत के घाट उतारा है। पर जॉर्ज भी सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि ये काफी ड्यूरेबल भी है, क्योंकि जब राल्फ और लिजी इसे काटता है फिर भी जॉर्ज को कोई प्रभाव नहीं होता। जॉर्ज भी कॉन्ग की तरह बुलेट प्रूफ है क्योंकि इस पर भी हुए कई गन फायर का इसे कोई असर नहीं होता। साथ ही इसे हेलीकॉप्टर एक्सप्लोजन और मिलिट्री ब्लास्ट का भी कोई असर नहीं हुआ था। जॉर्ज की बॉडी भी इतनी फ्लेक्सिबल है जिसने एक साथ दो मॉन्स्टर का सामना किया है, और ये अपने फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही उन्हें हरा पाया था। इसकी स्पीड भी दूसरे कई मॉन्स्टर से ज्यादा है क्योंकि जमीन में तेज भागने के साथ ये बिल्डिंग्स में भी इतनी तेज गति से चढ़ सकता है जिसका पीछा कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और चूंकि इसका रिश्ता काफी हद तक इंसानों से है इसलिए बाकी जानवरों के मुकाबले ये ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसी वजह से इसने डेविस से साइन में बात किया था। साथ ही आकार में भी जॉर्ज 40 फीट से भी ज्यादा विशाल है, यानी दोनों के कंपैरिजन करने से पता चलता है कि दोनों ही काफी शक्तिशाली ऐप है। एक और जहां किंग कॉन्ग कई सालों से जीवों की रक्षा करता आ रहा है, चाहे वो इसके आइलैंड में आए इंसानों को डायनासोर से बचाना हो या मेका गॉडज़िला को मारकर पूरे शहर की रक्षा करना हो। कॉन्ग की शक्ति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके चलने मात्र से ही आसपास की जमीन कांप उठती है। ये अपने रास्ते में आए मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंक सकता है, ये आसानी से चट्टानों को तोड़ सकता है या फिर उसे दूर फेंक सकता है। यहाँ तक कि इसके चलने मात्र से ही न्यूयॉर्क शहर नष्ट हो रहा था, यानी जॉर्ज की तरह ही इसके चलने मात्र से भी इमारतें टूट जाती है। साथ ही जॉर्ज की तरह बिना ज्यादा एफर्ट लगाए कॉन्ग भी मिलिट्री वाहनों और हेलीकॉप्टर्स को नष्ट कर सकता है।
पर जैसा कि जॉर्ज ने अकेले दो मॉन्स्टर्स को हराया है, वैसा हमें साल 2005 वाले कॉन्ग में देखने को नहीं मिला। हालांकि तीन डायनासोर्स को हराना भी कोई छोटी बात नहीं होती, पर यकीन मानिए तीनों डायनासोर्स तो लिजी के लिए किसी नाश्ते के समान थे। यानी स्ट्रेंथ में जॉर्ज ही कॉन्ग से आगे है, साथ ही आकार के मामले में भी जॉर्ज ही कॉन्ग पर भारी पड़ेगा, क्योंकि एक और जहां जॉर्ज 40 फीट से भी ज्यादा विशाल है, वहीं साल 2005 वाला कॉन्ग मात्र 25 फीट जितना विशाल है। वहीं ड्यूरेबिलिटी की भी जंग में जॉर्ज कॉन्ग से आगे है, क्योंकि एक और जहां कॉन्ग पर जब हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई जाती है तब ये लड़खड़ा जाता है, वहीं जॉर्ज पर बुलेट का कोई असर नहीं होता। यहां तक कि इसके सीने में जब एक रोड आर पार हो जाती है तब भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बिना रुके लड़ता जाता है। यहां तक कि लिजी की बाइट भी जॉर्ज का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। हालांकि स्पीड एंड एजिलिटी में कॉन्ग ही सबसे आगे है, क्योंकि यह ना सिर्फ ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों पर तेज चढ़ सकता है बल्कि किसी भी प्रकार के पहाड़ों पर चढ़ने में भी इसे कोई परेशानी नहीं होती। यहां तक कि इसने एक ही हाथों से तीन खूंखार डायनो का सामना किया है। फाइटिंग एक्सपीरियंस में भी कॉन्ग जॉर्ज से काफी आगे है, क्योंकि यह अपने आइलैंड पर कई सालों से रहता आ रहा है और इसने कई खूंखार जानवरों का भी सामना किया है। वहीं जॉर्ज को शक्ति मिले ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, पर अपनी अच्छी बुद्धि की वजह से इसने दो खूंखार मॉन्स्टर को हराया है, जो इस बात का भी प्रमाण है कि जॉर्ज कॉन्ग से ज्यादा बुद्धिमान है। यानी सभी बातों को गौर करें तो इसे पता चलता है कि जॉर्ज ही इस महामुकाबले का विनर होगा। खैर, आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।